अस्सलाम वालेकुम बच्चों, फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर खैर मुकदम है। मैं हूं आपका टीचर क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ में। आजकल हम एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो होगा। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज खत्म करेंगे। अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स दैट B and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. देखिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC. This is triangle ABC. There are two altitudes. Altitude B and altitude CF. And these two altitudes are given to be equal. That is, B is equal to CF. We have to prove that this triangle ABC is an isosceles triangle. But to prove it, we have to use right hypotenuse side congruence rule. देखिए, given condition is question number 4. Given है, in triangle ABC. B's altitude is equal to CF. इसलिए अगर आप यहां इस तरह लिखोगे ALT means altitude B is equal to altitude CF. तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle. हमें बेटा ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। देखिए प्रूव, मैं दो ट्रायंगल्स उठाऊंगा, दो राइट ट्रायंगल्स, क्योंकि बेटा बी ऑल्टीट्यूड है, सो ट्रायंगल बीईसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सीएफ ऑल्टीट्यूड है, सो ट्रायंगल सीएफबी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो आई टेक टू राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल। देखिए बी ई सी इन राइट ट्रायंगल बी सी एंड राइट ट्रायंगल सी एफ बी सी एफ बी। देखिए बेटा इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, वी है, देखिए आप अगर आप ट्रायंगल बी ई सी लोगे, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री एंगल यहां पर बनती है ना, यहां पर राइट एंगल है। राइट एंगल का अपोजिट साइड जो होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो यहां पर ट्रायंगल बीसी में हाइपोटेन्यूज है बीसी, ट्रायंगल बीसी में हाइपोटेन्यूज बीसी, वी हैव हाइपोटेन्यूज बीसी। यहां पर आप देखिए बीसी इज इक्वल, अब आइए आप ट्रायंगल सीएफबी में, ट्रायंगल सीएफबी में राइट एंगल बन रहा है एफ पर, एफ के अपोजिट में बीसी, ठीक है ना। सो हाइपोटेन्यूज बीसी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, शाबाश, यहां बी और सी फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, यहां फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट है सी बी, सो हाइपोटेन्यूज बीसी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज सी बी। चाहे आप बीसी लिखो या सी बी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीज आर इक्वल बिकॉज दे आर द कॉमन साइड ऑफ द बोथ ट्रायंगल। नंबर सेकंड, जो ट्रायंगल बीसी है इसमें एक साइड है बी, ठीक है ना, बी ई, और ये बी ई किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू सी एफ। क्यों ये बराबर है, क्योंकि ये गिवन है ना, ऑल्टीट्यूड बी इज इक्वल टू सी एफ, हेंस बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रेंस रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रेंस रूल ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, सॉरी ट्रायंगल दिस ट्रायंगल BC, ट्रायंगल BC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CFB, शाबाश। देखिए बेटा जब ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, कौन कौन से पार्ट्स इक्वल होंगे, देखिए BEC में ये वाली एंगल, ये वाली एंगल है BC की, ये वाली एंगल है एंगल C जो यहां पर लास्ट में आती है एंगल C,
इट इज इक्वल सी एफ बी की ये वाली एंगल जो यहां पर लास्ट आती है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी एज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, लेकिन ये जो एंगल बी और एंगल सी है ये किस ट्रायंगल के एंगल्स है? दे आर एक्चुअली द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, यहां पर निकला एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। एंड वी नो दैट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब बेटा एंगल सी के अपोजिट में है एंगल बी। अब आप दो मिनट के इनको छोड़ दीजिए आप। अब एंगल सी है, एंगल सी के अपोजिट में है ये वाला साइड ए बी, सो ए बी इज इक्वल, और एंगल बी के अपोजिट में है ए सी, हेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। दस इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई बात समझ में? अच्छी तरह से इस वीडियो को आप देखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इट इज क्वेश्चन नंबर लास्ट इज दैट एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, इसमें ए बी ए सी के बराबर, इस तरह। देखिए बेटा ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, जो साइड ए बी है ये ए सी के बराबर है। ठीक है, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसका नाम है ए पी। ठीक है ना, शाबाश। शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। फिर आप ये प्रूव करिए कि जो एंगल बी है यह एंगल सी के बराबर। देखिए आप ये खुद करोगे, मैं हिंट दूंगा। चूंकि ए पी परपेंडिकुलर है सो ए पी बी और ए पी सी ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है। क्या है, तो आप लिखोगे क्यों, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। इस तरह लिखोगे आप, खुद ही लिखना आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपको, कि एंगल बी एंगल सी के बराबर। ठीक है ना, आप ये बेटा खुद करोगे, मैं हिंट दूंगा प्रूव। आप लिखोगे इन राइट ट्रायंगल ए पी बी एंड राइट ट्रायंगल ए पी सी हाइपोटेन्यूज ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ए सी। जो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है ए बी, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ए सी है, ये इक्वल है। क्यों ये इक्वल है, क्योंकि आपको गिवन कंडीशन है। ठीक है, गिवन। फिर जो ए पी, ये ए पी के ही बराबर है, क्योंकि ए पी ए बी बी का, ए बी पी का भी साइड है और ए पी ए पी सी का भी साइड है, ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये कॉमन है। हेंस बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, हेंस एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने सिर्फ हिंट दिया, आपको ये खुद करना है। ठीक है ना, इस तरह से जो हमारी एक्सरसाइज 7.3 है ये खत्म हो गई। इंशाल्लाह अगले वीडियोस में हम इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.4 वो पढ़ेंगे। तब तक आप मेहनत करिए। अल्लाह हाफिज़।